नमस्कार भाइयों, मैं आशु कुमार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़ और आज हम आए हैं ग्राम आदिपुरा में। आइए देखते हैं इस गांव, जानते हैं इस गांव के हालात कैसे हैं। आइए। शुभ नाम? सपिका। सभी जी, तो आपको कोई आवास योजना का लाभ नहीं मिला यहाँ? हमें नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। आइए देखिए इनके घर की हालत कैसी है। देख लो। देखिए यहाँ पर ये अपना गुजारा कर रहे हैं और यहाँ पर सब कच्चा है और छप्पर पड़े हुए हैं यहाँ। आइए देखिए, ये इनका चूल्हा है। तो जी देखिए चूल्हा। तो ये जो उज्ज्वला योजना है गैस सिलेंडर की, ये भी आपको इसका कोई लाभ मिला या नहीं? हमें नहीं मिला कुछ भी। कुछ भी गैस सिलेंडर नहीं मिला आपको? गैस सिलेंडर मिला हमें। गैस सिलेंडर मिला। हाँ, अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं इनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। पर ये देखिए इनकी हालत क्या है, मतलब यहाँ पे सोने के लिए इनके पास चारपाई भी नहीं है और यहाँ इस पे पुराली को बिछाकर ये अपना गुजारा कर रहे हैं, सो रहे हैं ऐसे सर्दियों के मौसम में। ये देखिए इसकी हालत क्या है, कच्ची दीवारें हैं सभी की सभी यहाँ पे। ये देखिए जी, आपके प्रधान का नाम क्या है? सारा। हाँ, बस विशाल है। विशाल चौधरी जी। विशाल चौधरी। अच्छा, तो जो मतलब उनसे आपने मदद मांगी है? हमने नहीं कहा अभी उनसे। नहीं कहा? हमने नहीं कहा अभी। अच्छा। जब औरों ने नहीं करा हमारे साथ, हम इनसे भी नहीं कह रहा हम। अच्छा। बस जो आएगा तो जो आपके पूर्व प्रधान थे उनका नाम क्या था? पहले वाले। हाँ। उनका वो था अनुमार दिखा था। अच्छा, तो ये जो सरकार की ओर से जो शौचालय है ये मिले आपको? हाँ मिली, आई। अच्छा, आई ये, बस ये एक ही आई हमारे। अच्छा। सात भाइयों में एक ही आई जी। सात भाइयों में हमारे, और नहीं बस ये होगी। ये है जैसा कि आप देख रहे हैं इनके सात लड़कों में से एक के आई है ये शौचालय और इनको कोई और लाभ नहीं मिला। इनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, सोने के लिए चारपाई भी नहीं है। आइए देखते हैं। हाँ, ग्राम कादीपुरा में एक और मकान ऐसा भी है जो अभी तक कच्चा है और यहाँ पर घर में गड्ढे भी हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे कुछ इनके हालात जी। आपका शुभ नाम? फिरदौस। तो आपके पूर्व जो प्रधान थे पहले, उनका नाम क्या था? अनवार। अनवार नाम था उनका। हाँ। अच्छा, तो वो जो पहले प्रधान थे उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की? कुछ मदद नहीं की इन्होंने। कुछ नहीं की ना। और आपको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला? गैस सिलेंडर मिले इनको? नहीं, सिलेंडर नहीं मिला। कुछ नहीं मिला आपको? अच्छा, राशन भी नहीं है इनको, मतलब राशन की भी कोई लाभ नहीं मिलता? हाँ, इनकी पर्ची खो गई थी तो राशन भी नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा इसकी आई बनवाई। अच्छा। हम लोग निकाला वो डीलर और हमारा पर्ची पर धामपुर, 3 महीने बाद राशन मिला या नहीं मिल गया। अच्छा। हाँ। तो जो इस टाइम प्रधान है, ग्राम प्रधान, उनका नाम क्या है? उनका विशाल है, उन्होंने काम कराया अभी। अच्छा, सड़क बनवाई। तो वो काम करवा रहे हैं मतलब? हाँ, सड़क बनवाई उन्होंने। अच्छा, पहले जो प्रधान थे उन्होंने कुछ नहीं? उन्होंने कुछ नहीं कराया। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब है और इनके घर में ना ही तो पक्का मकान है और देखिए यहाँ पर कितना मतलब कूड़ी सी पड़ी हुई है। हालत बहुत ख़राब है यहाँ और बच्चे छोटे छोटे अपना यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। देखिए जैसे कि आप देखिए यहाँ पन्नी डाल रखी है इन्होंने छप्पर के ऊपर, जिससे बरसात से बचा जा सके और सर्दी से भी ये अपना रुक सकें, बच सकें। देखिए भाइयों, इसी घर में ये एक ऐसा इज्जत घर है, ये 5 साल पहले बना हुआ है और देखिए कितना अच्छा रॉ मटेरियल लगा हुआ है कि जो हाथ लगाते ही साथ झड़ रहा है एकदम। देखिएगा इसकी हालत क्या है। और जो अभी नए प्रधान बने वो तो कुछ काम करवा रहे हैं, जो सड़क बनवा रहे हैं यहाँ की, वरना पहले प्रधान ने कुछ भी इनकी कोई मदद नहीं की है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर सभी जगह गारा था आगे तक, तो ये प्रधान करवा रहे हैं? हाँ, ये करवा रहे हैं अभी प्रधान में। अच्छा। विशाल चौधरी। तो आपने उनसे ये कुछ बताया शौचालय के बारे में? नहीं, देखा उन्होंने भी, उन्होंने कहा करा उन्होंने घर को कह दवाई, देखो भाई मुझे मकान बनवाएंगे और पता नहीं कदम उनकी प्रधान अगले प्रधान बनाएंगे। फिर उन्होंने जब हमारे हम लिख कर देंगे तो अगले बनाएंगे ना। अच्छा, हमने लिख कर दे दिए तो अगले बन सकेंगे ना। ठीक है। राम कादीपुरा में एक घर ऐसा भी है जो अभी भी कच्चा है काफ़ी समय से, और आइए जानते हैं इनसे। जी जी, कच्चा घर है ये जी। आपका शुभ नाम? जी संजीदा। संजीदा जी, तो ये जो आवास योजना चल रही है घर की, तो आपको कोई लाभ मिला इसका या नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। अच्छा, हम परेशान है, बहुत ज़्यादा कच्चा घर है हमारा, पन्नी पड़ी छप्पर पड़ा, चूहे है, ये
बहुत दिन से हम परेशान है, काफी टाइम हो चुका है लेकिन हमारे मकान नहीं आ पाया। अच्छा, आइए दिखाते हैं हम इस घर का अंदर से हाल। देख, आइए देखिए इस घर का हाल। ऊपर छप्पर पड़ा हुआ है और सभी दीवारें कच्ची हैं और यहाँ देखिए सभी कुछ कच्ची है। आइए देखिए अंदर से भी ये कच्चा है। ये देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट भी टूटे हुए हैं, लाइट जला रहे, ये शॉर्ट भी यहाँ पर टूटे हुए हैं और इसमें जान का खतरा भी बना हुआ है। देखिए इस घर की हालत। आइए देखिए यहाँ से भी देखिए, और ये पूरा कच्चा है। इनको आवास योजना का कोई भी लाभ नहीं मिला है। तुम पन्नी पड़ी ऊपर से नीचे तला। ये देखिए यहाँ पर सभी में पन्नी पड़ी हुई है जिससे बरसात के मौसम में बचा जा सके। इस घर की बहुत ही हालत खराब है। तो जो आपके प्रधान है उनका नाम क्या है? विशाल जी। कब बने वो? ये भी बने हैं। अच्छा, तो जो इससे पहले प्रधान थे उन्होंने आपकी कोई मदद किया नहीं? जी कुछ नहीं, बस एक लेटिंग भेजी थी उन्होंने, कुछ नहीं करी हमारे। क्या नाम था उन प्रधान का? अनवार प्रधान था। अनवार नाम था। तो उन्होंने घर के लिए कोई आपकी मदद की है? नहीं, कोई नहीं की, कुछ नहीं की। वही पिछले 5 साल नहीं उन्होंने कोई मकान, उससे पहले 5 साल बिजली बोला था मकान आएगा, नहीं की कुछ नहीं आया हमारा। अच्छा, तो आपसे ये मतलब प्रधान और सेक्रेटरी लेते हैं पैसे 2,000-5,000 मकान लाने के लिए, ये लिया आपसे कुछ या नहीं? ये हमने दिया था लेकिन 5 साल पहले दे चुके थे हम 1200 रुपए, लेकिन हमारा मकान नहीं आ पाया था, उससे भी पहले दे दिए थे। जैसा आप देख रहे हैं इन्होंने कितने रुपए दिए थे? जी 1200 रुपए जमा करे थे। 1200 रुपए जमा किए थे मकान के लिए, जो कि कानूनी अपराध है। तो उस टाइम के जो प्रधान थे आपके उनका नाम क्या था? जी अनवार जीते थे जब। जी अनवार प्रधान को इन्होंने मकान के लिए 1200 रुपए दिए थे और उसमें भी इनका मकान नहीं बनवाया है। तो ये 1200 रुपए आपको वापस मिले या नहीं? मिले नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक तो घर से वैसे ही गरीब हैं और दूसरा जो इनके पूर्व प्रधान थे अनवार, उन्होंने इनके 1200 रुपए भी हड़प लिए। जैसे उज्ज्वला योजना का लाभ चल रहा है, गैस सिलेंडर वगैरह, ये आपको मिले हैं? जी सिलेंडर मिला है। सिलेंडर मिला है आपको? जी। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं उज्ज्वला योजना का लाभ इन्हें मिला है। ये जैसे अब इलेक्शन आने वाले हैं तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? जी देखो जी, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं है जी वोट का, क्या किसको देना किसको नहीं, अभी मुझे खुद को मालूम नहीं है। जी जी अभी हमें तो पता ही नहीं कुछ। अच्छा, हमें आइए जानते हैं इनसे इनकी तकलीफ। जी भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम शाहनवाज है जी। शाहनवाज जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य हैं, तो सभी यहाँ पर ही रहते हैं? हाँ, अभी तो यहाँ पे जो है रहने का साधन नहीं है तो इसलिए किराए पे रह रहे हैं। अच्छा, नेट और में। जैसा आप देख रहे हैं इस ग्राम में इनका कोई घर नहीं है तो ये बाहर किराए पर रहते हैं। देखिए इस घर की हालत, मतलब यहाँ पर ये इसमें रह रहे हैं छप्पर में जो कि पन्नी का बना हुआ है और जो सारा परिवार का जिम्मा है वो सभी इन पर है। तो क्या करते हैं आप? मैं सैलून में काम करता हूँ, नाई का। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं सैलून में काम करते हैं, तो नेटवर्क में ही करते हो? नहीं, अभी तो काम लग नहीं रहा है, ठंड की वजह से काम हल्का है, इसलिए यहीं पे ही हैं हम तो। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सैलून में काम करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं और इनकी हालत बहुत ही ख़राब है। तो ये जो आवास योजना चल रही है इसका कोई लाभ मिला आपको? इसका कोई लाभ नहीं मिला, बस मकान बन जाता है तो लाभ ही लाभ था। अच्छा, और ये उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर का ये मिला आपको? नहीं, गैस सिलेंडर भी नहीं। गैस सिलेंडर भी नहीं मिला? नहीं जी। अच्छा, और जो योजना चल रही है आयुष्मान भारत की और ई श्रम की, ये आपको कोई लाभ मिला इसका? कुछ नहीं। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं इनको कोई भी लाभ नहीं मिला है। और ये जो राशन वासन आता है, ये आता है आपका? नहीं, मेरा राशन नहीं आता अभी। नहीं आता है? नहीं आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सिर्फ अपना एक सैलून चलाकर गुजारा कर रहे हैं अपने परिवार का। अपना नहीं है, कहीं काम करते हैं दूसरे के यहाँ पे। अच्छा, सैलून भी दूसरे का ही है, उस पर काम करते हैं ये और ये अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। इनकी आर्थिक हालत जो है बहुत ख़राब है। आइए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।